हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। आज मैं आपके सामने मेथी के पराठे लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मेथी ली है, यहाँ पर मैंने हाफ के जी से ज़्यादा मेथी ली है और उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। देख सकते हो आप, मैंने इसके छोटे छोटे डंठलों में तोड़ा है, ज़्यादा बड़े डंठल नहीं तोड़े हैं मैंने इसके, बिल्कुल पत्ते पत्ते जैसा तोड़ा है। और इसको अब हम बारीक काट लेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसको बारीक काट लिया है। इस तरीके से आपको इसको काट लेना है। इस तरीके से आप मेथी के पराठे बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और खाने में इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हम इन्हें काट लेंगे सारी मेथी को। और अब हम इसे दो बार धो लेना है अच्छे से साफ़ पानी से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने पानी से इसको दो बार अच्छे से धो लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। अगर हम इसे अच्छे से धोएंगे नहीं तो ये पराठे हमारे क्रिकले बनेंगे और खाने में क्रिकलापन आएगा। इस तरीके से हमें इसे दो बार अच्छे से साफ़ पानी से वॉश कर लेना है। यहाँ मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, ये हमें इसमें ज़्यादा लहसुन गिरना है क्योंकि इसमें ज़्यादा लहसुन डलता है। और यहाँ पर मैंने ये इतनी हरी मिर्च ली हैं। आप अपने हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया है मिक्सर जार में। इस तरीके से आपको इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पे मैंने आटा लिया है, आटा भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें मेथी डाल देंगे जो हमने धो के रखी है। सारी मेथी को हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, इसको ऐसे ही सूखे आटे में अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ पे हम अब इसमें लहसुन और मिर्च भी डाल देंगे जो हमने इनका बारीक पेस्ट बनाया है पीस के। सारा हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। यहाँ पे मैं इसमें दो चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। इसमें आप नमक और मिर्ची अपने अपने स्वाद अनुसार, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें आटे को इसमें सूखा ही मिक्स करना है, कोई पानी नहीं डालना है, क्योंकि मेथी हमने धोई थी इसमें वैसे ही पानी है। अगर हम इसमें पानी डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, तो हमें इसमें पानी नहीं डालना है। इस तरीके से हम इसको अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल गीली है मेथी, तो इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। इसी तरीके से हमें इसको गूँथ लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से मेथी के पराठे बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसमें कोई अलग से पानी नहीं डाला है, मैं उसी मेथी के मैं इसको गूंथ रही हूँ आटे को। इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और हम इसको अच्छे से गूंथ लेना है। फ्रेंड्स, हमें इसमें कुछ आलतू फालतू चीज़ नहीं डालनी है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं तो इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आता इतना। तो हमें इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हमें इसे अच्छे से गूंथ लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है और अब हम इसे किसी बर्तन में डाल के रख देंगे। इस तरीके से हम इस अच्छे से इसको गूंथ के, आप इस तरीके से अगर मेथी के पराठे बनाते हैं तो आपको बहुत पसंद आएंगे और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप एक की जगह चार पराठे खाओगे अगर आपको भूख भी नहीं है तो इस तरीके से आपको आटे को अच्छे से गूंथ के किसी बर्तन में इसको रख देंगे। इसे किसी बर्तन में डाल के हम रख देंगे। ऊपर से हम इसमें तेल लगा देंगे। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहो तो सरसों का ऑयल भी लगा सकते हैं। घी आपको लगाना नहीं है इसमें, नहीं तो वो जम जाएगा। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसमें ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से इसमें पपड़ी ना आए। और उसको ढक के हमें फ्रिज में रख देना है। अगर आपको तुरंत बनाने हैं तो आप तुरंत बना सकते हैं, अगर आपको पराठे तुरंत नहीं बनाने हैं तो आप इसको फ्रिज में ढक के रख देना है, क्योंकि अगर हम इसको बाहर छोड़ेंगे तो ये पानी छोड़ जाएगा और आटा हमारा पतला हो जाएगा। अब हमें जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा हमें इसका एक पेड़ा बना लेना है। और इसको हम हमें सूखा आटा लगा के इसका थोड़ा सा इसको बेल लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना हमें, इसको छोटा सा ही बेलना है।
आप देख सकते हो इस तरीके से हम इसको छोटा साइज़ का बेल लेंगे और उसको आप त्रिकोण साइज़ में बना सकते हो, ट्रायंगल में, शेप में, आप जो भी आप उस शेप में आप इसको बना सकते हो। यहाँ पे मैं ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ, आपको गोल बनाना है, ट्रायंगल या स्क्वायर शेप, जो भी आप चाहो वो शेप आप बना सकते हो। इस तरीके से हम फिर से सूखा आटा लगा के इसको ट्रायंगल शेप में बेल लेंगे, आप देख सकते हो। और तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तवे को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक साइड से अच्छे से सिक चुका है, अब हम इसको पलट देंगे और आप इसे घी में या फिर ऑयल में आप जिसमें चाहो इसको बना सकते हो। या मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से हम इसमें ऑयल लगा देंगे सारी तरफ और उसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पे हम दूसरी साइड में इसमें तेल लगा देंगे अच्छे से और इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, ज़्यादा तेज गैस की फ्लेम नहीं करनी है, अगर हम ज़्यादा फ्लेम तेज करेंगे तो ये जल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक लेना है। फ्रेंड्स आप इस तरीके से मेथी के पराठे बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और खाने में इनका अलग ही टेस्ट आता है। तो यह मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको ट्रायंगल शेप में इसको अच्छे से बना लेना है और अच्छे से इसको सूखा आटा लगा के बेल देना है। देख सकते हो आप, मैंने एक और पराठा बना दिया है और ये पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है। आप देख सकते हो ये पराठा हमारा अच्छे से बन गया है। अब यहाँ पे हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये पराठे की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरीके से हम इसको भी सेक लेंगे अच्छे से, हम इसमें ऑयल लगा देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से हमें इसे सेक लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो पराठे हमारे अच्छे से सिक चुके हैं और हमारे पराठे अच्छे से बनके तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें दही के साथ, रायते के साथ या फिर सॉस या फिर अचार किसी के साथ भी, जिसके साथ आपको पसंद हो, खा सकते हो। और आप इनको वैसे भी खाओगे सिंपल तो ये सिंपल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च और लहसुन डाला है और नमक, तो इससे भी ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो आप इनको जिस तरीके से खाना चाहो उस तरीके से आप खा इसको सकते हो, जिस तरीके से भी आपको इसको पसंद हो। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।